पिबंती नद्यः स्वमेव नाभ्यः स्वयं न खादंती फलानी वृक्षः नादंती सस्यं खलुवारी वाहा प्रोपकार शताम विभूतयः। दोस्तों, प्रेरक सफ़र एन इंस्पायरिंग स्टोरी की कड़ी में इस रविवार को हम लेकर आए हैं ऐसे लोगों की कहानी जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। हमारे YouTube चैनल NJP इंडिया पर प्रेरक सफ़र की यह 11वीं कड़ी है। आज हमारे साथ हैं नवप्रेरणा नामक ऐसी सामाजिक संस्था जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के अंधेरे जीवन में रोशनी भर रही है। आज इस स्टोरी में गणमान्य लोगों के योगदान, दिव्यांग बच्चों की कला व समर्पित शिक्षकों और समाज सेवियों की ऐसी त्रिवेणी देखेंगे जिसमें गोता लगाने के बाद किसी गंगा स्नान की जरूरत नहीं रह जाती है। संस्कृत की जिस कहावत से हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं उसका अर्थ ही परोपकार से जुड़ा हुआ है। इस कहावत का अर्थ है कि नदियाँ अपना जल नहीं पीती बल्कि अनंत जल दूसरों के लिए प्रवाहित करती रहती है। वृक्ष अपने फल नहीं खाते बल्कि आंधी तूफान सहकर भी दूसरों को प्रश्रय देते हैं। बादल युगों युगों से जल लेकर आते हैं और धरती माँ का आंचल सींचते हैं, बदले में उनकी कुछ इच्छा भी नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह नदियाँ व प्रकृति के अन्य संसाधन बिना किसी स्वार्थ के मानव कल्याण कर रहे हैं, उसी तरह कुछ नेक इंसान मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। मुझे लेखक का ध्यान नहीं मगर एक प्यारी सी कविता की चार लाइनें जरा ध्यान से सुनिएगा। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लिए इंसान का दिल जो वह नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इन चार लाइनों में जो संदेश है उसी को आत्मसात करने वाले समाज सेवी हैं हरीश मलिक और उनके साथी। आप इनकी बातें आगे वीडियो में खुद सुनेंगे। नवप्रेरणा संस्था का दिव्यांग स्कूल शुरू नहीं हो पाता अगर रेवाड़ी का गोयल परिवार आगे नहीं आता। आगे आप अशोक गोयल की बात भी सुनेंगे और साथ ही इस संस्था के बच्चों का उत्साह बढ़ाने में योगदान दे रहे रोटरी क्लब के साथी अरुण गुप्ता की। गुप्ता भी उस समय संस्थान में मौजूद थे जब हम रिकॉर्डिंग के लिए संस्थान के स्कूल में पहुँचे थे। हमारी कुछ अभिभावकों से भी बात हुई। जिन बच्चों के बीच बैठकर हमने समय बिताया उनकी अपनी दर्द भरी कहानी भी है, मगर इस दर्द को जितना कम किया जा सकता था उतना कम करने में नवप्रेरणा की टीम ने जमकर पसीना बहाया है। नवप्रेरणा की टीम ने परोपकार शब्द को सार्थक किया है। हरीश मलिक व उनके साथियों की श्रम से निकली कहानी निश्चित रूप से आपको प्रेरणा देगी। पहले देखते हैं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की कला को। देखते हैं बच्चों ने किस तरह मोमबत्तियाँ बनाना, मसाले पैक करना व हाथों के हुनर से जूट आदि के सजावटी सामान बनाना सीख लिया है। दीपावली के अवसर पर यहाँ के उत्पादों की मांग कुछ अधिक रहती है, मगर सामान्य दिनों में भी यहाँ असामान्य बुद्धि वाले ये बच्चे अपना हुनर दिखाते हुए समाज के मुख्य धारा में आने का पूरा प्रयास करते नजर आते हैं। मेरी बात को मैं यहीं विराम देता हूं क्योंकि नवप्रेरणा परिवार की कहानी सदस्यों की जुबानी सुनकर ही आपको अधिक जानकारी मिल पाएगी। पहले सुनिए हमारी सहयोगी कोमल राव के साथ हुई संस्था की रीढ़ हरीश मलिक और अशोक गोयल की बातचीत। दोनों की बातचीत के बाद आप सुनेंगे हमारी सहयोगी शैली शर्मा के साथ हुई नवप्रेरणा परिवार के अन्य सदस्यों और स्कूल के मुखिया की बातचीत। आइए सुनते हैं और साथ ही हम भी कुछ अच्छा करने और दूसरों के लिए जीने का संकल्प लेते हैं। तो मलिक साहब, सबसे पहले बताइए कि नव प्रेरणा का बीजारोपण कैसे हुआ, कैसे मन में आया कि ऐसा संस्थान खोला जाए जहां पे बच्चों का आप ये देखभाल कर रहे हैं? जी, ये जर्नी शुरू हुई थी 95 से। हमारे एक मित्र हैं नरेंद्र बत्रा महल होटल वाले, उनका बच्चा इस टाइप का था। तब रेवाड़ी में कोई स्कूल नहीं था। वो लोग दिल्ली गए बच्चे को दिखाने, गुड़गांव गए, हर एक जगह कोशिश करते रहे। तो डॉक्टर रोमा गंगाराम हॉस्पिटल कंसल्टेंट थी, तो उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि इन बच्चों के स्कूल होते हैं, स्कूल में डालो। तो उन्होंने स्कूल्स का पता किया, कोई गुड़गांव में स्कूल था और इनका ये प्रोग्रामिंग बन गया कि हम गुड़गांव में ही शिफ्ट फैमिली को करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे को देखना है। फिर रोमा को जब सेकंड टाइम मिले तो डॉक्टर रोमा ने कहा कि आप समृद्ध लोग हो, आप वहीं रेवाड़ी शहर में ही एक स्कूल शुरू करो जिसके यहाँ और भी बच्चे होंगे। और उन्होंने कहा जी हमें इन स्कूलों का क्या पता कैसा होता है, क्या जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कंसल्टेंसी देने के लिए सहमति जताई कि मैं आपको गाइड करूंगी, आप लोगों को इकट्ठा कीजिए और स्कूल शुरू। तो वहां से ट्रेनिंग शुरू हुई, शुरू करते हैं रेवाड़ी स्कूल।
तो मेरे से आए मेरे मित्र थे, मुझे बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर रोमा ने जिक्र किया है। फिर हमने पूरे शहर के मौजूद आदमियों की एक मीटिंग बुलाई, 40-45 लोग थे उस टाइम, मेरा ऑफिस हुआ करता था रेलवे रोड पे शम्भूलाल धर्मशाला में। सबके आगे ये शहर के लोगों के आगे ये रखा प्रस्ताव हमने कि ऐसे बच्चे हैं और हमें स्कूल खोलना चाहते हैं। तो उसमें कुछ नेगेटिव लोग थे, कुछ पॉजिटिव थे, चला पाओगे नहीं चला पाओगे, कुछ ने कहा जी चल जाएगा। देन मीटिंग एक मिले जुले एक्सपीरियंस से ख़त्म हो गई, खट्टे मीठे से। तो मीटिंग में जो लोग थे वो सब शहर के जाने माने लोग थे, कुछ लोग। नाम बता सकते हैं? और नाम उस टाइम रामलाल सचदेवा जी होली चाइल्ड वाले, धर्मवीर जुनेजा जी, अपने अशोक गोयल जी और इनके ब्रदर, बाकी शहर के सुनील अपना अप्सरा वाले और तेज मेडिकल वाले, टाटा डाटा फैमिली, डॉक्टर तारा सक्सेना फैमिली, काका बेकरी वाले, चंद्रशेखर, अमर शर्मा जो आजकल अमेरिका में सेटल हैं, ये सब लोग थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मिला जुला मिला हमें एक्सपीरियंस, तो कुछ लोग हमारे में से ही निराश हो गए भी, कुछ तो करना चाहते हैं कुछ नहीं करना चाहते। मैंने एक सजेशन दिया कि आप सिर्फ आप मीटिंग बुलाओ जो लोग वहाँ पॉजिटिव बोल रहे थे कि हमें करना चाहिए, अच्छा सब्जेक्ट है। और हमने फिर उनको बुलाया, उनको बुलाने के बाद फिर एक निर्णय, हम एक स्टेज पे पहुँचे कि स्कूल शुरू करना है। और उसमें सबसे बड़ा सहयोग अपने अशोक गोयल जी डिनको फैमिली ने दिया कि इस स्कूल को चलाने के लिए जगह चाहिए। जगह के लिए इन्होंने फर्स्ट टाइम पे ही कह दिया कि जगह हमारे पास वहाँ है, 2400 गज जगह थी। तो इन्होंने कहा जी आप स्कूल चलाना चाहते हो, हमारे पास 3 कमरे हैं। सबसे पहले जो कोऑपरेशन रहा, हमारे पास जगह मिल गई तो एक सपोर्ट मिल गई कि स्कूल चलाना है। उसके बाद क्या हुआ कि अब बच्चे कहाँ से आए, बच्चे कैसे आइडेंटिफाई हो कि बच्चों का कैसे कि लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। फिर कुछ कंसल्टेंट ने कुछ हमने एक छुट्टियां थी गर्मी की जी। स्कूल्स के 10 हर एक स्कूल से 10-10 बच्चे बुला लिए और 100 बच्चे हो गए। 100 बच्चे शहर के हर एक मोहल्ले में रहते थे, उनको एक हमने जिम्मा लगाया कि आपके मोहल्ले में आपके छोटे से एरिए में डिसेबल्ड बच्चों का हमें पता करके बताओ, मेंटली डिसेबल्ड और डिसेबिलिटी पे दोनों का। बच्चों ने मेहनत की, बच्चों को अच्छा लगा कि सब्जेक्ट भी और छुट्टियां भी थी। 2-2 बच्चों की टीम बना दी हमने हर एक मोहल्ले की और वो गए और उन्होंने हमने उनको 15 दिन का टाइम दिया। 15 दिन बाद फिर बैठे तो हमारे पास शहर के लोगों की इन बच्चों की एक लिस्ट आ गई। फिर डॉक्टर रोमा ने कहा कि अब कौन से स्कूल में एडमिशन लायक हैं या कौन से नहीं हो सकते एडमिशन कुछ डिसेबिलिटी पे। तो हमने पेरेंट्स प्लस उनकी एक ओपीडी का बड़ा सा प्रोग्राम बनाया डॉक्टर रोमा की कंसल्टेंसी। देन टीचर्स की, टीचर्स सब कहाँ से मिलेंगे। मिस्टर डल रोहतक में काफ़ी टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे थे, उनसे हमने कहा भी हमें, क्योंकि वो कोर्सेज कराते थे, स्पेशल एजुकेटर चाहिए होते हैं इनमें आम टीचर काम नहीं कर सकते, इसी फील्ड में काम करने वाले वहाँ कोर्सेज होते थे। हमने कहा जी कोर्सेज से जो बच्चे, 2 फ्रेशर बच्चे वहाँ निकले थे, उन्होंने हमें प्रोवाइड करा दिए कि ये बच्चे संभाल लेंगे। ओपीडी की उन्होंने डॉक्टर रोमा की उसमें एडवाइस से हमने वो बच्चे सेलेक्ट किए, तब 10 या 12 बच्चे हमें मिले और हमने ये स्कूल की ओपनिंग कर दी। और 2 टीचर हमें मिल गए रोहतक से, डल सर ने भेज दिए और वो उन्होंने आके स्कूल को। तो शुरुआत करने के बाद भी बच्चों को संभालने में देखने में कुछ परेशानी आई होगी, उनका थोड़ा सा जिक्र और उसके साथ साथ कि कौन कौन लोग जुड़ते चले गए आपके साथ और फिर ये पूरा काफिला बन गया जी। उसके बाद हमने एक सोसाइटी बनाई जो रजिस्टर्ड कराई, जिसमें फाउंडर मेंबर नरेंद्र बत्रा, चंद्रशेखर, अशोक गोयल जी,
अपने गोपाल दुआ जी, उनकी बच्ची भी ऐसी है, ऐसी टाइप की, महेंद्र चक्रवर्ती, ये फाउंडर्स मेंबर थे। और इनके जो सहदेवा जी, रामलाल सहदेवा जी के अध्यक्षता में, और धर्मवीर जुनेजा जी, फिर हमारी मीटिंग्स चलती रही और धीरे धीरे कारवां आगे जुड़ता गया और उन बच्चों पे हमने काम शुरू किया। बीइंग वो स्पेशल एजुकेटर थे, उनको टेक्निकली तो कर लेते थे हैंडल। फंडिंग के लिए जो भी खर्चा होता था, जो हम 8-10 लोग जुड़े, एक डिसाइड किया कि जितना डोनेशन हमें मिल पाएगी डोनेशन लेंगे, डोनेशन से पूरा नहीं होता तो सब आपस में ही बांट लेते थे कि ये पैसे हम लगाएंगे, और फंडिंग की इसलिए हमें परेशानी नहीं आई और धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर लोगों को रिजल्ट्स नज़र आए स्कूल के, और बच्चे आते गए, जुड़ते गए, और हम भी आगे। तो अभी सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता मिल रही है, और कितनी मिल रही है अगर मिल रही है, और आप लोग अपनी तरफ से कितना योगदान दे पा रहे हैं इसमें? सरकार से हमें 3-4 साल हो गए शायद, 3-1 साल हुए नेशनल ट्रस्ट से। इससे पहले सारा ही हम अपने ही रिसोर्सेज से, अपने ही फंडिंग से, जगह हमें फ्री अशोक जी ने, जिनको परिवार ने दी हुई थी, इस पर कोई किराया नहीं है, कोई बिजली का बिल नहीं, कोई टेलीफोन का बिल नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने प्रोवाइड किया, जो एक सबसे बड़ी ज़रूरत रहती है किसी स्कूल को चलाने के लिए। देन डोनेशन जी, हाँ, देन हम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से ही डोनेशन इकट्ठी करते थे, मेंबर्स जोड़ने शुरू किए। 11,000 रुपये में हम मेंबर बनाने लग गए, पर ईयर इनका खर्चा हुआ करता था। 11,000 से हमने मेंबरशिप शुरू की, मेंबरशिप डोनर मेंबर बनाने शुरू किए, तो लोग जुड़ते गए। और आपको ये तो पता है कि ऐसे नोबल काज में पैसे की वजह से कोई कमी आती है, लोग जुड़ते रहते हैं और लोग जुड़ते भी रहे, और हम आज काफी अच्छे उस पे पहुंचे। तो अब तक आपके संस्था में कितने बच्चे आ चुके हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको आप लोगों ने कुछ करने के लिए काबिल बना दिया हो कि वो समाज की मुख्य धारा में आके रह सके? हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, अभी तक 150-200 बच्चे शुरू से आए हैं, और जो जिनको हमने बनाने वाले की जो बात कर रहे हैं, कई बच्चों को हमने ऐसे, सबसे पहले तो एक बच्चे को ट्रेनिंग दी जो इसी स्कूल का ऑफिस बॉय बन गया, उसको हम सैलरी दे रहे हैं, जॉब कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि 20-22 साल से स्कूल चल रहा है तो बच्चे ही बड़े हो गए हैं। एक बच्चा नरेंद्र बत्रा का जो फर्स्ट स्टूडेंट था, जिसकी वजह से शुरू किया था, वो आज होटल पे जालता है, खोलता है होटल को और वहाँ पे मैनेज करता है। एक बच्चा अभी निकला है बहुत अच्छा, लक्षित अरुण गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए, इन्होंने लक्षित इंस्टीट्यूट खोला है, वो ऑफिस बॉय हमने वहाँ अपॉइंट कर दिया। कुछ बच्चों को हमने ऐसी ट्रेनिंग दी कि जैसे किसी एक के बच्चे के पेरेंट्स कपड़े का काम करते थे, तो उन्होंने वो थान फोल्डिंग करते थे, नौकर रखे हुए थे, कपड़े दिखाना फिर थान फोल्ड करना, हमने उस बच्चे को वहीं सिखा दिया काम, वो बैठा बैठा अब वो वहीं पे, उन्होंने एक आदमी हटा दिया और खुद करते रहते हैं। एक पंजाब नेशनल बैंक में थे अपने, उन्होंने जूस का कॉर्नर खोल दिया उन्होंने खुद अपने रिसोर्सेज से, और भी बच्चे काफ़ी निकल के गए हैं। और जो भी ट्रेनिंग, एक गुड़िया का एडमिशन सेंट्रल स्कूल में, वो फिजिकली हैंडीकैप थी, माइंड से ओके थी, यहाँ कुछ दिन आई ट्रेनिंग दी उसको, सेंट्रल स्कूल में आज उसका एडमिशन हो गया। और कुछ बॉर्डर केसेस अब भी हैं इनमें, जिनको एकेडमिक हम यहाँ एजुकेशन देते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जहाँ वहाँ बच्चे ध्यान नहीं रखते नॉर्मल स्कूल्स में, यहाँ एजुकेशन लेते हैं हम नॉर्मल स्कूल में, उनके पेपर कराते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं और नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के ही वो पेपर कराते हैं। सिटी में ई रिक्शा चलाते हैं, हाँ एक ई रिक्शा चला रहा है, तो काफ़ी बच्चे निकल के गए। और हमारे एफर्ट्स रहते हैं कि जो बच्चे अब बड़े होते जा रहे हैं, इनको हम किसी ना किसी जॉब पे, किसी ना किसी घर पे काम शुरू करा दें, ये हमारा। और यहाँ वोकेशनल चल ही रहा है जो इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं अशोक कुमार गोयल, मेरे पिताजी श्री गणेश जी गोयल, मेरे दो भाई गोपाल जी और दिनेश जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके मन में कैसे आई जमीन देने के स्नेह काम के लिए?
जमीन देखो हमने वैसे ये थोड़ी सी गलतफहमी, हमने जमीन दी नहीं है, ये बिल्डिंग दी है, उसमें भी थोड़ा एरिया दिया है। अभी क्या है कि पिताजी हमारे छोड़ के गए थे यहाँ पे धर्मशाला के लिए, उनको धर्मशाला बनाने की इच्छा थी और बहुत सालों से थी, जब उनके पास कुछ नहीं होता था जब भी थी, तो उन्होंने 5,000 गज जमीन ली थी धर्मशाला के लिए, तब ली थी जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल आउटर एरिया था, कोई सेक्टर नहीं बसा था, कुछ नहीं, जंगल थे, मतलब घास मतलब खेती थे। तो उस समय उसके बाद सरकार ने अक्वायर कर ली, जो इधर वाली जमीन है वो सरकार ने अक्वायर कर लिया, तो आधी उन्होंने दी हमें, आधी छोड़ दी, आधी उन्होंने अक्वायर कर ली। उसके बाद पिताजी गुजर गए 2000 में, फिर हमारी इच्छा थी कि भाई सबके मन में आई कि भाई पिताजी वाला जो धर्मशाला का काम है उसको पूरा करा जाए। इस बीच में स्कूल भी शुरू हो गया था, क्योंकि 3 कमरे पहले बने हुए थे, उन 3 कमरों में स्कूल भी शुरू हो गया था। फिर वो जब धर्मशाला बनाने की बात आई तो फिर उसमें से हमने आगे वाला पोर्शन ये इसके लिए स्कूल के लिए रख दिया, पीछे वाला धर्मशाला, पीछे वाला साइड धर्मशाला। तो अभी जमीन के अलावा, जगह के अलावा भी आप कुछ और तरह की सहायता देते हैं स्कूल में? और तो जैसी जरूरत होती है, जैसी इच्छा होती है वैसे करते हैं भाई। स्टार्टिंग तो की थी तो सभी लोग थे, अब उसमें जो भी दे रहा है सब बढ़िया है, लेकिन अभी जिसको जितनी मदद देनी उतनी दे, स्टार्टिंग से तो भवन की तरह से हमारी फैमिली ने शुरू से अच्छा ही करा। मेरे ख्याल से हम 10-12 साल 15 साल तक तो बिगेस्ट डोनर थे, कभी 51,000 कभी 70,000 इस ढंग से हर साल की थी बात। लेकिन बात ये थी कि पैसा किसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि मन में विचार आना, एक तो ये बात, मन में विचार तो इन लोगों के आया, मैं भी साथ था, क्योंकि मेरा लड़का भी थोड़ा सा स्लाइटली हैंडीकैप है, मेंटली स्लाइटली हैंडीकैप है वो, लेकिन वो सारा काम कर रहा है, अपना ऑफिस जाता है, सारी चीज है उसकी। बात क्या होती है कि सबसे ज्यादा होती है बात की जिसको जरूरत हो, जैसे नरेंद्र बत्रा जी थे, अब उनको उनका लड़का है वो संभालना है, उनकी जरूरत थी। ऐसे ही गोपाल दुआ करके थे, उनकी लड़की की हैंडीकैप थी, तो वो भी, उनकी भी जरूरत हो गई। जैसे मैं हो गया स्लाइटली, मैं कह सकता हूँ कि मैं बॉर्डर लाइन पे था, लेकिन मेरे को भी मन में फीलिंग रहती थी उस तरह की। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन ये मलिक साहब है और जो चक्रवर्ती जी है, पर ये लोग हैं कि बिना किसी उसके, इनका कोई मतलब नहीं है, ये खाली इनका योगदान केवल सेवा भाव की वजह से, मतलब मैं उनको सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। साथ में ये कि लोगों ने पहले से ही भाई अच्छा यहाँ पे योगदान किया, सब लोगों ने मिलके किया। उसके बाद में जो बता रहे थे अभी डल साहब ने, हमारे 2 टीचर भेजी शुरू में, वो इतनी ब्रिलियंट थी वो दोनों टीचर कि उन्होंने हमारे स्कूल को एक किस्म से उनको खड़ा कर दिया, जो बैठे हुए में मजबूत रख दिया। बहुत ही शानदार लड़कियां थी दोनों, रोहतक से आती थी या और कहीं से आती थी, और यहीं पे स्टे करती थी वो वीकली या जब भी जाती होंगी, बट देवर वेरी वेरी ब्रिलियंट एंड एफिशिएंट। अब उसके बाद में बच्चे है कि बात भी है कि भाई फीस तो कुछ रखनी चाहिए, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं है जी। अगर आप फीस नहीं रखते तो उसकी वैल्यू नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे थे कि उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टिंग शुरू करी, और ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया तो पहले बच्चे तो अपना आप वो छोड़ के जाते, लेके जाते, उनके वाइटे खत्म हुई। लेकिन कई लोगों के लगे ये तो कमर्शियल हो गया, जबकि हम तो एट पार दे रहे थे भाई। मान लो हमारी कोर्स 10,000 की आई है, उसमें 20 बच्चे जा रहे हैं तो 50 रुपये एक हुआ, अगर मतलब एट कॉस्ट ही दे रहे थे हम, उसमें कोई अलग से तो कमा नहीं रहते। लेकिन कई लोगों को वो भी माइंड होने लगा। अब अभी भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, अब जो अफोर्ड करता है उनसे हम ले लेते हैं, जो अफोर्ड नहीं करता वो गरीब। बाद में फिर एक वैन भी हमने ले ली थी डोनेशन से इकट्ठा करके, ये जो हाँ संजय किरण और बाकी सब लोगों ने, तो वो भी एक हमारी एक साइट बन गई अब। लेकिन उसका भी है कि ड्राइवर है, डीजल है, पेट्रोल है, वो तो चलेगा उसको। तो ये सब स्कूल की साइड से। अरुण जी आप मुझे बताइए कि रोटरी क्लब का इसमें क्या योगदान रहा है और कब से आप अपना योगदान दे रहे हैं? मैं रोटरी क्लब ऑफ रेवाड़ी में इनके बारे में पहले बताना चाहूँगा। ये संस्था 1978 से रेवाड़ी में कार्यरत है और सामाजिक कामों के अंदर हम सभी मेंबर्स मिलके रेवाड़ी में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरह से मदद करते हैं। जैसे रेवाड़ी में अपनी मोचड़ी वैन चल रही है, प्याऊ हमने बना रखे हैं, हमने लाइब्रेरीज बनाई हुई है रेवाड़ी के अंदर। उसके अलावा जब जब रेवाड़ी में किसी प्रकार की विपदा आई, जैसे कोविड के अंदर हमारी क्लब को ड्यूटी थी कि 3 टाइम का खाना हम अलग अलग जगह पे लोगों को खिलाने जाते थे,
और साथ में ये वोकेशनल सेंटर, जैसा हरीश जी ने बताया, ये वोकेशनल सेंटर पहले चल रहा था पर हमें लगा कि इसको थोड़ा सा हम रीवैम्प करते हैं। तो 2019 के अंदर हमने एक मीटिंग बुलाई और इसको रोटरी नौप्रेरणा वोकेशनल सेंटर के नाम से एक यूनिट हमने तैयार की, जिसको हमने सेक्टर 18 के अंदर सेटअप किया। अच्छा। और पूरा एक काफ़ी बड़े एरिया के अंदर हमने इसको तैयार किया और प्रॉपर स्टाफ था उसमें, डोना मेकिंग का काम होता था, अलग अलग चीज़ें हम जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले में रखी हुई हैं ऐसे बनाते थे, दिए बाती और डोना इस तरह की चीज़ें बना के मार्केट में सेल करते थे, मिठाई का डब्बा। लेकिन हमारे साथ एक समस्या आई जो पूरे दुनिया में थी, कोविड आया। तो कोविड के टाइम पे उस सेंटर को रन करते वक्त हमें लगा कि अभी एक्सपेंसेस भी मीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम नहीं संभाल पा रहे थे खर्चों के हिसाब से, किराया भी जा रहा था सब कुछ का। फिर हमने उस सेंटर को यहाँ पे शिफ्ट किया फर्स्ट फ्लोर पे, रोटरी नौप्रेरणा सेंटर को। और फिर हमने एक नया इनिशिएटिव हम लेके आए कोविड के अंदर, जब हमने आपको दिखाना चाहूँगा ये मास्क, हमने जो सेंटर के खर्चे निकालने के लिए हमने मास्क बनाने शुरू किए और पूरे रेवाड़ी में लोगों का, समाज का हमें बहुत सहयोग मिला। और पूरे स्टाफ को मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने ले ऑफ किया, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को हटा दिया या अपना काम बंद कर दिया या बहुत सारी सामाजिक सरकारी संस्थाएं भी परेशानी आ गई थी उस टाइम। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा प्रिंसिपल मैम सर की और हमारे स्टाफ की और बच्चों की मेहनत थी कि हम इसको आगे तक ले जा पाए। और मुझे लगता है कई लाख मास्क हमने बना के रेवाड़ी में अलग अलग फैक्ट्रीज के अंदर, स्कूलों के अंदर, जहाँ पे भी जा के हम मास्क सेल कर सकते थे वो किया और इस सेंटर को आज स्थिति में ले आए कि सेंटर दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा हो गया। फिर जैसे जैसे कोविड खत्म हुआ और उसके बाद अभी भी आप देखेंगे स्टॉक में बहुत सारे मास्क बचे हुए रखे हैं। मैं तो चाहता हूँ कोविड दोबारा ना आए, चाहे बचे रह जाएं, कोई बात नहीं। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा था कि ये सेंटर उन सपनों को, बच्चों को, उनके सपनों को आगे लेके आता है जो बच्चा या जिनके माँ बाप ये भी नहीं सोच सकते कि बच्चा जिंदगी में कुछ करेगा। कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो अपने हाथ पैर डाल देते हैं कि जी मेरा बच्चा ऐसा हो गया, अब मैं भगवान के भरोसे आई। तो ये संस्था नौप्रेरणा उन बच्चों को और उन माँ बाप को ये उम्मीद दिलाती है कि नहीं, इस बच्चे को भी हम अपने समाज की जो बराबर के जो लोग चल रहे हैं उनके साथ इन बच्चों को चला सकते हैं, ये भी अपना पांव कदमताल कर सकते हैं कि और आगे अपने जीवन यापन कर सकते हैं। इसी तरह से और चीजें आप देखेंगे जो हम अभी भी करते हैं, जैसे ये दिया आप देखेंगे, ये मिट्टी का दिया लेके आते हैं, इसके ऊपर यही बच्चे कलर करेंगे, इसको सुंदर बनाएंगे, उसमें मोम भरेंगे, बाती लगाएंगे और उसके बाद फिर हमारे स्टाफ की और रेवाड़ी में जो सामाजिक लोग हैं उनकी मदद से फैक्ट्रियों के अंदर हम स्टॉल लगाते हैं, स्कूलों में स्टॉल लगाते हैं। तो दिवाली के दिनों में इस तरह से हमारा सेंटर में जो सेल होती है उससे ये खर्चा निकलता है। अभी हमने मसालों का काम शुरू किया हुआ है तो मसाले सेल करते हैं। तो जो भी चीज़ ऐसी जिससे बच्चे को कुछ दिखाया जा सके विदाउट हार्मिंग हिम और हर, क्योंकि ऐसा काम नहीं कर पाते ये जो कहीं इनको हजार्ड हो सके, तो ऐसा काम इनको सिखाया जाए ताकि ये उस चीज़ को बना के और सेल कर सकें। ऐसे भी हमारे पास बच्चे हैं जो घर से बना के ले आते हैं सामान, जैसे हमने राखी का सामान दे दिया उनको, घर जाके उसको चिपका के और उसको बना के ले आते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि उस राखी को बांधने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और जो भाई उस राखी को बंधवाएगा उसको भी मन में सुकून होगा कि मैंने उस राखी को पहन के या उस बहन ने राखी को बांध के उन बच्चों को मदद की है। तो यही सब काम रोटरी नौप्रेरणा वोकेशनल सेंटर कई सालों से करता आ रहा है और समाज के लोगों के साथ, गोयल साहब और सभी हमारे साथ अभी आप लगातार अपना योगदान दे रहे हैं ना। हम यहाँ पे आते रहते हैं, जैसे ही हरीश जी हमें गाइड करते हैं उस हिसाब से हम जो हमारे सपोर्ट जितनी जरूरत होती है, मेंबरशिप फीस की तरह है, सोसाइटी में पेमेंट्स की तरह है, किसी प्रकार का कभी भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो तो हम सब हमेशा रोटरी क्लब भी और हम भी पर्सनली भी हमेशा इसके साथ हैं। मैं जानता हूँ इन बच्चों की किस तरह से इनको नर्चर किया जाता है, इन बच्चों को कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा भाई 35 की एज में वो एक्सपायर हो गए थे, वो भी सेलिबर पैलेसी से ग्रसित थे, तो मैं इन सबकी पीड़ियों को समझता हूँ और शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं मदद कर सकूँ। ठीक, आपका नाम बताइए। गायत्री शर्मा। आप यहाँ पे कब से जुड़ी हुई हैं? 2010 से। तो 2010 से लेकर के 2023 के सफर के बारे में थोड़ा सा बताइए। सफर ये लंबा नहीं है, आपका यहाँ योगदान रहता है, आप यहाँ पे निर्देशन करते हैं टीचर्स का, इन बच्चों के साथ कितने साल कब बीते पता नहीं चला, सिंचाई के लिए। और जो बच्चे शायद जिनको चलना भी नहीं आता था 7-8 साल की एज में भी होंगे, आज वो इस लायक हुए कि हमें देख के पता चल जाता है कि मैडम को कोई परेशानी है, आप कैसे हैं, ये पूछने की पोजीशन में वो आ गए हैं, जो जिसको खुद का ही नहीं पता था, आज वो दूसरों की समस्याएं समझने लायक। सफर बहुत अच्छा रहा, छोटा है अभी, बहुत लंबा चल रहा है,
किन किन चरणों में आप इनको पढ़ाई कराते हैं, क्रिएटिविटी कराते हैं, योगा कराते हैं, कैसे कैसे आप इनको दिन की क्रियाएं कराते हैं? आप लगाइए 4 साल से लेके 40 साल तक के बच्चे हैं, हम उनको बच्चे कहेंगे अकॉर्डिंग टू आईक्यू लेवल। और छोटे बच्चों में जो प्रोग्रेस लेवल है बहुत बढ़िया है, बट हमें परेशानी आती है कि अवेयरनेस नहीं कहेंगे इसको, आज हर कोई पढ़ा लिखा है अवेयर है, पता है, अदरवाइज नॉर्मल स्कूल भी आजकल गाइड कर देते हैं बच्चों को स्पेशल स्कूल की जरूरत है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, और जब एक्सेप्ट करते हैं तो वो 4 साल की एज कब 10 साल की, 8 साल की पहुंच जाती है, इवन की 18 साल की भी पहुंच जाती, क्योंकि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं बच्चा ये करने लग जाए, टॉयलेट बताने लग जाए तो हम भेजे, बोलने लग जाए तो हम भेजे, चलने लग जाए, बट वो चीजें बच्चों को सिखानी होती है जो नॉर्मली बच्चा नेचुरली नहीं सीखता। सबसे बड़ी जो, तो आप वो चीज कैसे सिखाते हैं यहाँ पे बच्चों को? यहाँ पे हम बच्चों को कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, किसको ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं हर बच्चे की, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, जो सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे कम रिजल्ट की पोजिशन होती है वो सीवियर और प्रोफाउंड, जिनमें बच्चों का लेवल ही बिल्कुल 5-6 महीने साल भर तक के बच्चे उतना होता है। और उनके अकॉर्डिंग जिसको फिजिकली एक्सरसाइज की जरूरत है, फिजियोथेरेपिस्ट भी यहाँ पे अपॉइंट है, जिनको नीड एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की है, जैसे बच्चा खाना नहीं सीखता, टॉयलेट करना नहीं आता, ट्रेंड नहीं है वो, और बीच में पोटी कर रहे हैं, नहीं पता उनको, ये चीजें फर्स्ट जो है वो हमारा टारगेट होता है कि सबसे पहले बच्चा ये चीजें सीखे। तो उसके लिए हम टाइम बाउंड रखते हैं, क्योंकि बच्चे को नहीं पता, लेकिन टाइम बाउंड से जब हम बच्चे को खुद लेके जाते हैं, खुद ये चीजें पानी पीना सिखाते हैं, ऑटोमेटिकली रूटीन बन जाता है, उनका रूटीन बन जाता है और वो हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज, सीखते नहीं सीखते वो बात की बात है, बट हैबिचुअल होके वो चीजें कंट्रोल हो जाती है। तो आप बच्चों में कितना सुधार देख पाते हैं, कितने समय के अंदर सुधार आ पाता है आपके हिसाब से? अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है विद इन 6 मंथ बच्चे की हाइपर एक्टिवनेस कंट्रोल हो जाती है, लाइक बच्चे बंद माहौल से आते हैं, जैसे उनको खुला दिखो भागना शुरू कर देते हैं, अब खुला माहौल है और भाग जाओ, अदरवाइज कोई भी आएगा आपको कमरे में बंद कर देगा। नॉर्मली घरों में ये पोजिशन हो जाती है, कई बार कोई गेस्ट आया है या पेरेंट्स को कहीं बाहर जाना है, ऐसे हाइपर बच्चे को बाहर ले जाने की बजाय वो सोचते हैं अंदर जाए, सेफ रहेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो सबसे पहले बहुत जल्दी ये चीजें कंट्रोल आते हैं, बच्चों को जितना खुला माहौल मिलता है, अपने जैसा माहौल मिलता है, वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। और विद इन 1 मंथ हमें आता है पेरेंट्स की तरफ से कि अब इसने भागना बंद कर दिया है, जाएगा भी तो गेट के पास से वापस आ जाते हैं, गेट के पास खड़ा रहता है, ये पोजिशन बहुत जल्दी आती है। कि जो सीवियर बच्चे हैं उनमें टाइम लगता है, उनका कोई टाइम लिमिटेशन भी नहीं है, बट वो अपने लायक हो जाते हैं, मार धाड़ करना छोड़ देते हैं, ये चीजें बहुत जल्दी। जैसे कि 11 से 12 एज हो गई या फिर 11 से 15 के बीच में जो एज के बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा एकदम हलचल वाले होते हैं नॉर्मल बच्चे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग आप देखें तो कैसे क्या उनकी संस्कार रहती है? इसमें आपके आते बच्चे एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग सीख चुके होते हैं लेकिन जैसे क्या होता है कि पेरेंट्स 10 साल बाद छोड़कर जाते हैं तो उस समय तो आपको कितनी परेशानी आती होगी ना? बिल्कुल आती है, क्योंकि उस बच्चे को अपने आप को बचाना भी आ जाता है, कोई एक्टिविटी हो रही है उसको खुद को कैसे बचाना है, जिद बच्चे में आ जाती है और ताकत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बच्चे फिजिकली, उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे काटना बच्चों में आदत आ जाती है, नोचने की आदत आ जाती है, उसमें थोड़ा सा 4 साल की एज में वो बच्चा आता और अब 10 साल की में आया है, उसमें टाइम डबल से भी ज्यादा लगता है बच्चे में इम्प्रूवमेंट आने, 6 से 12 साल लग जाएंगे, 6 से 12 साल लग जाते हैं। चलो ठीक है, और कुछ आप बताना चाहे तो? हाँ, मैं वोकेशनल के बारे में बताना चाहूंगी। 18 साल से प्लस जो बच्चे हैं उनको मेनली ये बच्चे माइंड वाला काम नहीं कर पाते, हैबिचुअल होके सीख के वो कुछ भी करेंगे और लास्ट में फाइनल स्टाफ को देखना होता है कि वो काम प्रॉपर है या नहीं, और जिन कामों में बच्चों का इंटरेस्ट है
सुबह से शाम तक भी वो लगातार उसमें इंटरेस्ट लेके वो करेंगे, लेकिन अपना माइंड यूज नहीं कर पाते हैं। अपना माइंड यूज नहीं कर पाते, और कर पाते हैं तो किस चीज में, ये चीज यहाँ पड़ी है, यहाँ नहीं रखनी, इसको यहाँ रखना है प्रॉपर जगह पे। कुछ बच्चे हैं जो उनको रख देंगे, पता है ये चीज यहाँ गलत है, शायद हम अवॉइड कर देंगे पड़ी वक्त, तो कोई बात नहीं, ये बच्चे फट से उठाएंगे जगह पे जाएगी चीज। हम दिवाली का हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें जो पहले हमने डोनर से शुरुआत की थी, बच्चे दिए बनाते थे और हमारे जो डोनर थे, सोसाइटी मेंबर्स थे, पेरेंट्स थे, सिर्फ यही कंफर्टेबल लोग यूज करते थे। धीरे धीरे बढ़ा और 30-35 हजार से निकल के ये 4 लाख तक का बिजनेस हो चुका है। 3.5-4 के बीच में बच्चे दिए बनाते हैं, कैंडल, बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं। तो दिवाली की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देते हैं, अक्टूबर से ऑलमोस्ट शुरू हो जाती है, सितंबर अक्टूबर। सबसे पहला जब हम बाहर निकले कि थोड़ा दायरा बढ़ाएं, जो हमें स्पॉट मिला वो उमा भारती स्कूल से, मैडम का धन्यवाद मैं करूंगी। उमा भारती स्कूल पहला स्कूल था जब हमने बच्चों से संपर्क किया था, और धीरे धीरे रेवाड़ी के कई स्कूलों में स्टॉल लगती चली गई, और बच्चों का जो आप उत्साह देखेंगे, आपने एक लिया है मैं दो लूंगा, और पूरे साल वो वेट करते दिवाली पे बच्चे आएंगे मैंने ये चीज ले लिया। और प्राइवेट सेक्टर में हम बात करें कंपनियों की, अनुराधा मैडम, जो अगर आप किसी भी टाइम कोई काम बच्चों के लिए कहेंगे वो तैयार ले लिया, और उन्होंने ऐसे लोगों को जोड़ दिया है, एचआर के ऐसे लोग जुड़ गए हैं जो खुद से फोन करके कहते हैं कि जी हमारे यहाँ आप स्टॉल लगाइए। वो हैंडमेड चीज का लोगों को अलग इंटरेस्ट होता है, हैंडमेड और दूसरी स्पेशल बच्चों की बनी हुई स्पेशल चीज। अगर हम देखें कंपनियों में बाहर के लोग काम करते हैं, ऑलमोस्ट स्टेट्स में बच्चों का चाहे एक दिया पहुंच चुका है, बहुत खुशी होती है। ऑल ओवर इंडिया में मे बी एक आध ही ऐसा बच्चा होगा जहाँ नहीं पहुंचा, और इन ये बच्चे जब प्रोग्रेस करते हैं शायद माँ बाप से भी ज्यादा खुशी हमें जब बच्चे आते हैं, क्योंकि दिन का आधा टाइम तो आप ही संभालते हैं ना। हमारे पास बच्चा आया, आप उसके पास हैवी से हैवी टेबल और हल्की से हल्की एक पेंसिल भी नहीं रख सकते, वो सब कुछ उठाया और फेंक दिया। एक साल के अंदर वो बच्चा बैठने के लिए चेयर ढूंढता है, दूसरा कोई खड़ा है तो उसको चेयर देगा और इंडिपेंडेंट चलने लगा है, वो सिर्फ नीचे पैर फैला के बैठना जानता है, और आज वो इंडिपेंडेंट है। बात करोगे आप, स्पीच नहीं है बट रिप्लाई देता है, सुधार काफी है, बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा है। अपनी बात रखने लायक नहीं तो मुझे प्रॉब्लम है ये बताने लायक बच्चे को। पेरेंट्स का हमें बहुत सपोर्ट मिलता है क्योंकि बच्चों को फिट्स वगैरह भी आते हैं, कई बार गिर के चोट लगने की भी पोजीशन आ जाती है, तो पेरेंट्स की तरफ से जी आपने बच्चों की मदर से भी ज्यादा केयर आप लोग करते हो, कोई दिक्कत ही रही होगी, अदरवाइज ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत सपोर्ट मिलता है हमें, चाहे कोई भी पोजीशन है, कोई जरूरत है। सेम सोसाइटी मेंबर्स का मैं धन्यवाद करूंगी, उनकी वजह से हमें बच्चों की सेवा का मौका मिला। थैंक यू। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जतिन शर्मा। आप कब से जुड़े हुए यहाँ पे? मैं पिछले 1.5 साल। तो आप अपना इस 1.5 साल का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि बच्चों के सामने आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है। एक्चुअल में मैं अमनगनी के थ्रू यहाँ पर आया हूँ। अमनगनी के जो CEO हैं त्रिलोक शर्मा जी, उन्होंने हमें इस काम के लिए, ये हमारा सौभाग्य था कि उन्होंने हमको चुना। और इसके अंदर हमने देखा कि 5 बच्चे अमनगनी ने अडॉप्ट किए एक टाइप से, इसमें लक्ष्य, मासूम, निधि, निहारिका और उपेश। तो इसमें ये 5 बच्चे डाउन सिंड्रोम थे। डाउन सिंड्रोम मतलब कि जब आपका 23 मेल का और 23 फीमेल का गुणसूत्र होता है, वो एक बढ़ जाता है, 47 हो जाता है, तो अब डाउन सिंड्रोम बच्चा पैदा होता है। अगर एक घट जाता है तो वो किन्नर पैदा होता है। तो एक प्रोसीजर है ये। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि उसकी बुद्धि अट्रैक्शन और रिवल्शन बोथ नहीं कर पाती। जैसे हम नॉर्मल्स हैं तो अट्रैक्शन एंड रिवल्शन आपके ब्रेन काम करता, तो थोड़ा इसमें फ़र्क होता। और धीरे धीरे हमें उनके बारे में पता लगा, फिर हमें पता लगा कि खैर मैं इससे पहले से भी बहुत सारे कामों में जुड़ा रहा हूँ, देव सांस्कृति में भी, गुरुकुल कांगड़ी में,
पुणे अयंगर योगा से और बहुत सारी हमारी वो है। यहाँ करके आपने बच्चों को क्या क्या सिखाया और कैसे क्या प्रोग्रेस हुई है? बच्चों में अयंगर सिखाया और ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार वगैरह और मेडिकल योगा और अष्टांग विन्यासा और बहुत सारी चीज़ें कराई। और इसमें हमने देखा कि इन बच्चों के थायराइड एकदम से लैप्स होते हैं और अप होते हैं। 500-500 थायराइड चला जाता है एक बच्चे का। मेरे पास वीडियो है लग से कि आप देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा 500 थायराइड। देन फिर उसको TSH को मेरे को 500 से 0 पे यानी कि 3.5 पे लाने में बड़ी है मेहनत करनी पड़ी है। आप वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे क्या आप शेयर करना हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं शेयर करूँगा। और ऐसे ही मासूम का था, मासूम की बहुत सारी चीज़ों का पता लगा। फिर इनका एक ऐसा नहीं है, एक कैटेगरी होती है हर बच्चे की कि भाई ये इतने ऊपर तक है, ये इससे अबो है या इससे नीचे है। तो हमें उनको देखना पड़ता है कि ये बच्चा इसके साथ चल सकता है। अलग 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 कैटेगरीज। हाँ क्योंकि ब्रेन का जो ग्रे मैटर है ना वो सबका डिफरेंट डिफरेंट है। वो आप कहाँ मैच करा पाते हैं बस। पीनियल ग्लैंड किस तरीके से काम कर रहा है, कईयों का पिट्यूटरी ग्लैंड ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, हार्मोन्स पूरे सिक्रेट नहीं कर रहा है, किसी का TSH कम है तो किसी का T3 बढ़ा हुआ है, किसी का T4 बढ़ा हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं। तो हर बच्चे को हर तरीके से हमें अंदर के हार्मोन्स को बैलेंस करना होता, फिर तब वो बैलेंस होगा, उसके बाद वो थोड़ा सा काम करेगा। इसलिए पहले फिजिकली, देन फिर मेंटली एंड फिर स्पिरिचुअली, इस तरीके से योगा का एक प्रोसेस है। इसलिए फिर क्या है, जींस भी डेवलप बाद में सही हो सकते हैं, ऐसा योगा में हमने पढ़ा है और सीखा है और कर भी रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम बताया। सुषमा, मैं वेदांत की मदर हूँ, यही मेरा बच्चा ही है स्कूल। कब से आपका बच्चा यहाँ पर है? मेरा बच्चा यहाँ पे 2007 से पढ़ रहा है यहीं पे। तो आपने अभी उस समय से लेकर के आज के समय तक बच्चे में क्या क्या सुधार देखे हैं? यहाँ पे आने के बाद में बहुत सुधार है। पहले उसको वाइब्रेशन थी हाथों में तो लिख नहीं पाता था, लेकिन अब वाइब्रेशन कंट्रोल में है तो लिखने लग गया है। उससे टेबल, प्लस के, माइनस के, सम वगैरह सब सोल्व करने लग गया है। तो आपको कैसा लगता है कि आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है? मुझे तो बहुत खुशी होती है इस संस्था से जुड़ने के बाद, बच्चे में काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। किस एज में आपने बच्चे को एडमिशन कराया था यहाँ? 3.5 और अब वो हो गया 18 ईयर्स का हो गया। हाँ जी।